टेक्निकल सॉल्यूशन ऑफिशियल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का सेक्शन है जो हम करने जा रहे हैं सुरक्षा संकेत के ऊपर। हमारा टॉपिक रहेगा आज का सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या कार्य है, किस कार्य के यूज में वो आता है, उनके वोटर का कलर क्या है, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो कौन से कलर की रहती है और जो उन पर जो बना हुआ संकेतक है वो किस कलर का रहता है। तो हम पहले एक नंबर की बात करने जा रहे हैं। हमारे पास पहला है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह की बात करने जा रहे हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, एक छोटी सी हेल्प जरूर कर देना, ताकि ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जो मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो एक छोटी सी हेल्प लाइक और शेयर कर देना चैनल को। तो आइए हम सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं निषेधात्मक चिन्ह को। ये किस कार्य के लिए आता है हम देखते हैं। तो ये किसी भी कार्य को या कोई भी क्रिया को न करने का संकेत देता है। किसी भी कार्य को न करने का संकेत देता है। अगर हम इसकी बात करते हैं किस आपूर्ति का होता है, तो इसकी आपूर्ति होती है वो होती है वर्ताकार आकृति होती है इसकी। अगर हम इसकी आकृति की बात करते हैं तो इसकी आकृति होती है वर्ताकार आकृति होती है। अब इस चिन्ह के बीच में एक क्रॉस पट्टी बनी हुई होती है। इस प्रकार का चिन्ह होता है और उसके बीच में एक क्रॉस पट्टी बनी हुई होती है। इसकी बॉर्डर का कलर हम देखते हैं किस प्रकार का होता है। इसकी जो बॉर्डर का कलर होता है वो होता है लाल रंग का। इसकी बॉर्डर का कलर होता है वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। और जो इस पर जो क्रॉस पट्टी बनी हुई होती है जो इस पर क्रॉस पट्टी बनी हुई होती है वो भी लाल रंग की बनी हुई होती है। अगर हम बात करते हैं इसके धरातल की, यानी इसका जो पृष्ठभूमि है या धरातल है वो किस कलर का बना हुआ होता है, पृष्ठभूमि इसे हम धरातल भी कहते हैं, पृष्ठभूमि कहते हैं, ये किस कलर का बना होता है, तो ये होता है सफेद कलर का। तो ये होता है सफेद कलर का। अगर हम बात करते हैं इस पर जो सुरक्षा चिन्ह बना हुआ होगा, इस पर जो भी कोई भी सुरक्षा चिन्ह बना हुआ होगा वो किस कलर का रहने वाला है, तो सुरक्षा चिन्ह है वो होगा काले रंग का। इस पर जो सुरक्षा चिन्ह बना हुआ होगा वो काले रंग का रहने वाला है। अब ये जो निषेधात्मक चिन्ह है वो किसी भी कार्य को न करने का संकेत देता है, यानी कोई भी कार्य न करने का संकेत प्रदान ये करता है। यानी यहां पर
किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करना है। कई बार बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है कि यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना है, या यहाँ से आपको रोड क्रॉस नहीं करना है, यहाँ पर आपको कूड़ा या कुछ अन्य पदार्थ है वो नहीं डालना है, ऐसे करके किसी भी कार्य को आपको यहाँ पर नहीं करना है, ऐसा संकेत ये प्रदान करता है। मैं आशा करता हूं कि ये सुरक्षा चिन्ह आपको समझ में आया होगा। अब हम चाहते हैं दूसरे ही। जो हमारा दूसरा सुरक्षा चिन्ह रहने वाला है वो है हमारे पास अनिवार्य चिन्ह, जिसे आवश्यक चिन्ह भी बोला जाता है। अनिवार्य चिन्ह ही बोलते हैं इसे, आवश्यक चिन्ह भी बोलते हैं इसे। सकारात्मक भी चिन्ह भी बोलते हैं इसे। अनिवार्य चिन्ह, आवश्यक चिन्ह भी कहते हैं इसे, सकारात्मक चिन्ह भी बोलते हैं। अब यह है जो किसी भी कार्य को करने का सलाह देता है, यानी किसी भी कार्य या कोई भी क्रिया है उसे करने का सलाह देता है। किसी भी क्रिया या हम बोल सकते हैं कार्य को करने का संकेत देता है, कोई भी कार्य को करने का संकेत देता है। अब यहां पर इसकी जो आकृति रहने वाली है, यह भी इसकी आकृति है वो वर्ताकार ही रहने वाली है। इसकी आकृति भी क्या उनसे रहने वाली है, वर्ताकार रहने वाली है। इसकी अगर हम बात करते हैं आकृति की, तो इसकी आकृतियां वो भी वर्ताकार रहने वाली है, इसकी आकृति भी वर्ताकार रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके बॉर्डर का कलर कैसा रहने वाला है, तो इसका जो बॉर्डर है, इसकी जो बॉर्डर है वो नीले रंग की रहने वाली है यहां, और जो इसके अंदर का धरातल है या पृष्ठभूमि है वो भी नीले रंग की रहने वाली है, वो भी नीले रंग का रहने वाला है। अब इस पर जो सुरक्षा चिन्ह बना हुआ होगा वो रहने वाला है हमारे पास यहां पर सफेद रंग का, सुरक्षा चिन्ह है वो सुरक्षा चिन्ह है वो रहने वाला है हमारे यहां पर यहां पर सफेद कलर का। इस पर कोई भी क्रॉस पट्टी नहीं बनी हुई होती है, क्योंकि यह किसी कार्य को करने का संकेत प्रदान करता है, इसलिए इस पर कोई भी पट्टी नहीं बनी हुई होती है। अब जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, तो किसी भी क्रिया को करने का ये संकेत प्रदान करता है, जैसे हेलमेट का यूज करना और चश्मे पहनना, हाथ में दस्ताने पहनना आदि क्रियाएं करने का ये हमें क्या देता है, संकेत प्रदान करता है। इसका आकृति है वो वर्ताकार रहने वाली है, इसकी बॉर्डर का कलर है वो नीले रंग का रहने वाला है, पृष्ठभूमि है वो भी नीले रंग की रहने वाली है, जो उसके अंदर जो सुरक्षा चिन्ह बना हुआ होगा वो सफेद कलर का रहने वाला है। अब हम जाते हैं तीसरे सुरक्षा चिन्ह की तरफ। तो तीसरा सुरक्षा चिन्ह है हमारे पास वो रहने वाला है चेतावनी चिन्ह। वो रहने वाला है हमारे पास चेतावनी बोल सकते हैं आप हम इसे,
या हम बोल सकते हैं संचेतक बोल सकते हैं, चेतावनियां संचेतक चिन्ह। अब इसकी आकृति कैसे रहने वाली है, तो इसकी आकृति है वो रहने वाली है त्रिभुजाकार। इस प्रकार की आकृति यहां पे इसकी रहने वाली है त्रिभुजाकार की। अब ये चेतावनी चिन्ह या संचेतक चिन्ह ये किस कार्य को करने या क्या कार्य को करता है, ये किस किसकी हमें क्या है संचेतक, किस लिए संचेत करता है, तो ये हमें चेतावनी या हमें संचेत करता है किसी कार्य को, संचेतक है ये किसी, यानी कोई खतरे के प्रति संचेत है, यानी जहां पर भी हमारे हमारे को ऐसा लगेगा यहाँ पे खतरा है तो वहां पर हमें इस प्रकार की त्रिभुजाकार की प्लेट लगी हुई दिखाई देगी। खतरे के प्रति संकेत ये प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं इसकी आकृति, तो इसकी आकृति रहने वाली है वो है इसकी आकृति है वो रहने वाली है त्रिभुजाकार। इसकी अगर बॉर्डर के कलर के बारे में हम देखें तो बॉर्डर का कलर है वो रहने वाला है यहाँ पर काले रंग का। इसकी जो बॉर्डर का कलर है वो रहने वाला है काले रंग का। और जो इसकी पृष्ठभूमि है इसकी जो पृष्ठभूमि है वो रहने वाली है यहाँ पर पीले कलर की, यानी जो इसकी पृष्ठभूमि होगी वो पीले कलर की रहने वाली है। अब जो इसके अंदर सुरक्षा चिन्ह बना हुआ होगा उसका कलर देखते हैं यहां पर किस प्रकार का होगा, तो सुरक्षा चिन्ह, तो जो सुरक्षा चिन्ह है वो यहां पर रहने वाला है काले कलर का। सुरक्षा चिन्ह भी यहां पर काले कलर का रहने वाला है। खतरे के प्रति ये क्या करता है, हमें संकेत करता है, यानी विद्युत का आघात हो गया, जैसे बड़े पोल होते हैं हाई वोल्टेज के तो वहां पर इस प्रकार की प्लेट लगी हुई होती है, लेजर बीम होता है वहां पर इस प्रकार की प्लेट लगी हुई होती है, और या कोई विषैले पदार्थ होते हैं, कोई कीटनाशक दवाई होती है उन पर इस प्रकार की प्लेट लगी हुई होती है, उस प्रकार का चिन्ह बना हुआ होता है। प्लेट तो नहीं हम कह सकते, उस प्रकार का चिन्ह बना हुआ होता है, जैसे हो गया अगर हम बात करते हैं विद्युत आघात हो गया, विषैले पदार्थ हो गया इत्यादि पर हमें ये देखने को मिलता है। अब हम जाते हैं चार नंबर की तरफ। वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना एक बार। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब हमारे पास जो चार नंबर है वो है सूचनात्मक चिन्ह। ये हमारे पास सूचनात्मक चिन्ह। तो इसकी आपूर्ति है वो रहने वाली है यहां पर
या तो होगी इसकी आकृति वर्गाकार, इसकी आपूर्ति की अगर बात करते हैं तो इसकी आपूर्ति है या तो होगी आयताकार या होगी वर्गाकार, या तो आयताकार होगी या होगी वर्गाकार होगी। अगर हम बात करते हैं इसके बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का कलर रहने वाला है यहां पर हरे रंग का, तो इसकी ये जो बॉर्डर है इस पर रहने वाला है हरे रंग, हरे रंग की ये बॉर्डर रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं इसके पृष्ठभूमि की, तो इसकी जो पृष्ठभूमि या जो इसका धरातल है वो भी यहां पर रहने वाला है हरे रंग का, वो भी रहने वाला है हरे रंग का। अगर हम बात करते हैं सुरक्षा चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा चिन्ह यहां पर वो रहने वाला है सफेद कलर का, वो रहने वाला है सफेद कलर का। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके, तो ये होती है सेवाओं के प्रति, जैसे चिकित्सक हो गया या पानी की सेवा हो गई, पानी की सेवा हो गई, वहां पर इस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह बना हुआ होता है, जैसे ये हॉस्पिटल का होता है। तो ये चार सुरक्षा संकेतक को आज हमने पढ़ा है, इसके हमने आकृति की बात की है और इसके बॉर्डर के कलर का बात किया है हमने, इस पर कौन सा संकेतक है वो किस कलर का बना हुआ है उसके बारे में हम बात किया है, ये सुरक्षा चिन्ह किस कार्य को हमें करने का संकेत देता है उसके बारे में हमने जाना है आज। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेक्शन आज का जो सुरक्षा संकेतक पर था वो आपको जरूर समझ में आया होगा, आगे इस चीज को आप शेयर भी करना ताकि आगे आने वाले और वीडियो के अंदर मैं इससे बेहतर और सेक्शन लेके आऊं। ऑल द बेस्ट।